जो खुदा का हो जाए, मन कान लिल्लाह, जो अल्लाह के का हो जाता है, वो कान अल्लाह लहू, तो खुदा उसका हो जाता है, फिर अल्लाह उस पर नजर रहमत फरमाता है, खुदा उसकी रहमत उसको घेर लेती है। अब ये हदीस सुनिए, वह अन हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं कि नबी काला फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत मुबारक थी। अब देखिए मेरे मुस्तफ़ा का अमल देखिए, क्या कहते हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि इज़ा हज़ाबा हु अम्रुन, कि जब भी कोई दुश्वारी पेश आती है, क्या थी? जब भी कोई दुश्वारी पेश आती, जब भी कोई मुश्किल पेश आती, जब भी कोई परेशानी आती, तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल हमने देखा है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि जब भी सरकार और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए कितनी मुश्किल थी, जब ऐलान नबूवत किया अल्लाहु अकबर, शोबे अबू तालिब में मुकैद कर दिया गया, ताइफ के मुकाम पर पत्थरों से पेशानी लव लहान कर दी गई, आपकी गर्दन मुबारक के अंदर फंदा डालकर आपको घसीटने की कोशिश की गई, फिर आपको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, आपको वो कौन सी अज़ियत थी जो मेरे मुस्तफा को नहीं दी गई, इतनी मसाइल होने के बावजूद, इतनी तकालीफ होने के बावजूद, और अपने घर वालों ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जो जमीन और जायदाद थी वो छोड़ दिया, और अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब आपके लिए हिजरत का हुक्म है, आप दीन के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त करें। फिर क्या किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम, जब मक्के से निकले तो तन्हा थे, क्या थे? तन्हा थे, अपने आप को अपने रब के हवाले कर दिया, और आपने अपने साथ अमीर उल्मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अफसर बशर बाद अलंबिया बिल्तहकीक जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया और हिजरत करके चले गए। और जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे, ये रास्ते की तकलीफें बर्दाश्त की, 13 साल मक्के के मसायब अहले मक्का के बर्दाश्त किए, और उसके बाद जनाब अली जिस वक्त आप मदीना तैयबा पहुंचे तो खुदा मन कान लिल्लाह, अब जो अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं, वकान अल्लाहु लहू, फिर अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के लिए कैसी राहें पैदा की कि कुरान उस मंजर को बयान फरमाता है कि जब मेरे मुस्तफा मक्के से मदीना गए तो अकेले थे, और जब मदीना तैयबा पहुंचे तो इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, खुदा की तरफ से मदद आ गई और फतह आ गई, फिर कुरान इस मंजर को बयान करता है, अल्लाह इस मंजर को बयान करता है कि कायनात आलम ने इस मंजर को देखा, चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा, सातों जमीनों ने इस मंजर को देखा, सातों आसमानों ने इस मंजर को देखा कि मेरे मुस्तफा जब मक्के से मदीने गए थे तो अकेले थे, लेकिन अपने आप को अपने रब के हवाले कर दिया और अपने रब की रजा पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, दीन की तकालीफ और मुश्किलात को और अहले मक्का की जो पहुंचाई की तकालीफ को न देखा, रब की तरफ रुजू किया, तो फिर क्या हुआ? फरमाया कि फिर हम क्या तुम्हें बाबू, क्या आपने नहीं देखा जब आप मक्के से मदीने आए थे तो अकेले थे, लेकिन जैसे ही मदीने में आपने कदम रंजा फरमाया, मन कान अल्लाहु लहू, मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहू, जड़ा खुदा दा हो जाता है, फिर खुदा उसका हो जाता है। महबूब आपने अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देखा कि जब आप मक्के से निकले थे तो अकेले थे और जब आप मदीने में पहुंचे तो वाराई तन्ना सैयद करून फी दीन अल्लाह अफवाजा, क्या आपने नहीं देखा कि लोग दीन के, अल्लाह के दीन के अंदर फौज दर फौज दाखिल हो रहे, फौज दर फौज दाखिल हो रहे थे, ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हो रहे थे, जमात दर जमात दाखिल हो रहे थे, कबीला दर कबीला दाखिल हो रहे थे, खानदान दर खानदान दाखिल हो रहे थे। और फिर जब फतह मक्का हुआ तो वो मेरे मुस्तफा जब अकेले मक्का गए थे, अब जब फतह मक्का के लिए मदीने से मक्के की तरफ जा रहे हैं तो मेरे मुस्तफा के साथ हजारों सहाबा, और सिर्फ ये ही नहीं,
फिर जब हज्जतुल वदा किया मेरे मुस्तफा करीम ने आखिरी हज किया तो फिर क्या था, फिर फरमाया कि मेरे मुस्तफा के साथ मदीना तैयबा से जब हज्जतुल वदा का काफिला चला तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कमो पेश 1,25,000 से ज्यादा फैलिया। ये खुदा की तरफ से नुसरत, अल्लाह की तरफ से मदद। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को कयामत तक आने वाले उम्मतियों को यह तालीम दी कि कोई भी मुसीबत आ जाए तो मायूस ना हुआ करो। फरमाया कि अल्लाह की रहमत ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, अपने आप को रब के हवाले कर लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की मरहम अपने सीने पे लगाओ, अपने दुख पे लगाओ, अपनी तकलीफ पे लगाओ, अपनी परेशानी पे लगाओ, अपनी आजमाइश के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की मरहम लगाओ। फरमाया जब तुम ये बंदा कहते ना इन्ना लिल्लाहि, सब कुछ खुदा का है, उसी ने दिया है, उसी को उसी ने ले लिया है और उसी की तरह मैंने भी लौट कर जाना है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है, आसार पैदा करता है। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम इज़ा